और ये मकबूल जान साहब, एक मामूली सा आजाना सवाल ये है कि उस वक्त तो आप नाबालिग, मैं नाबालिग, अब बकायदा मैच्योरिटी के एज में आके अगर कोई कहे कि कपड़े उतारो, बोर्ड आपकी एग्जामिनेशन करेगा कि आप मर्द हैं, औरत हैं, मुखन्नस हैं, क्या है, ये इंसानी तौकीर के खिलाफ नहीं है? पाकिस्तान की हर नौकरी में ये होता है। मैं जब सीएमजी में आया था, मैंने बकायदा कपड़े उतार के एग्जामिनेशन करवाया था, हर नौकरी में होता है। ये नौकरी नहीं मांग रहे, ये तो शनाख्त मांग रहे हैं, शनाख्त के लिए भी ये होगा तो ये सही होगा? पहली बात तो ये है कि आप इसमें तो डिफरेंस जब आया, जब आपने कहा कि आपका डिफरेंस है, आ गया है, तो डिफरेंस कौन डिटरमिन करेगा? डिफरेंस कौन डिटरमिन करेगा? मेडिकल एग्जामिनेशन डिटरमिन करेगा, और कोई डिटरमिन नहीं करता। तो फकीर कैसी बात होगी? आपने बताया